हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों हम लोग डिस्कशन कर रहे थे स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ ऑफ रियल सब्जेक्ट SOM सब्जेक्ट सोम, जो सिविल इंजीनियरिंग का वन ऑफ द बेसिक सब्जेक्ट है और जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कशन कर लिए थे। आज के टॉपिक्स में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कॉलम के बारे में। तो कॉलम में हम लोग देखते हैं कॉलम किसको बोलते हैं। कॉलम का दूसरा एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रट्स। तो ये जो कॉलम जो है किस प्रकार का मेंबर है, हॉरिजॉन्टल मेंबर है कि वर्टिकल मेंबर है, तो आपको इस वीडियो में इस पर्टिकुलर PDF के माध्यम से मैं आप लोगों को कंप्लीट कॉलम की जो है बेसिक थ्योरी जो है आपको कंप्लीट बता देने वाला हूं। और इसके बेसिस पे हम लोग दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कशन करेंगे जो आपके JEE एग्ज़ाम में, यदि आप जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई असिस्टेंट इंजीनियर की या फिर सिविल इंजीनियर की कोई भी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। दोस्तों कॉलम के टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वन एंड फिक्स, वन एंड हिंज, इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए अपने वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। स्ट्रक्स क्या होता है? तो स्ट्रक्स इज अ मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड इज कॉल्ड एज ए स्ट्रक्स। एक ऐसा मेंबर जिसके अंदर जो है कंप्रेसिव लोड लगता है। कैसा लोड लगता है? कंप्रेसिव लोड लगता है। लेकिन स्ट्रक्स जो है वो इंक्लाइंड भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है और ट्रांसवर्स भी हो सकता है। लेकिन कॉलम जो है एक ऐसा वर्टिकल मेंबर है विच इज़ फिक्स एट द बोथ एंड, जो दोनों एंड से क्या होता है, फिक्स होता है एंड सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड इज कॉल्ड इज ए कॉलम। तो एक ऐसा वर्टिकल मेंबर जो दोनों तरफ से फिक्स होता है और उसके ऊपर लगता है कंप्रेसिव फोर्स, तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कॉलम। कॉलम के लिए बकलिंग, कॉलम की बकलिंग के लिए एक थ्योरी दिया था, यूलर्स नाम के साइंटिस्ट थे और इन्होंने थ्योरी दिया था। तो उन्होंने उसके लिए उन्होंने कुछ एजम्पशन याद रखा था, उन्होंने कुछ एजम्पशन दिया था। उसमें एजम्पशन में हमें क्या ध्यान रखना है, तो एक्सिस ऑफ द कॉलम इज़ परफेक्टली स्ट्रेट व्हेन अनलोडेड। जब किसी कॉलम के ऊपर जब कोई भी लोड नहीं लग रहा होता हो तो वो कॉलम कैसा होना चाहिए, वर्टिकली पर्टिकुलरली स्ट्रेट होना चाहिए। और यदि उसके ऊपर लोड लगेगा तो उसकी बेंडिंग जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। लोड पासेस थ्रू द एक्सिस, और वो जो लोड जो है एक्सिस के पर्टिकुलर एक्सिस में पास होने चाहिए, मतलब एक्सियल लोड लगना चाहिए। स्ट्रेस इन द स्ट्रक्चर आर विद इन द इलास्टिक लिमिट, जो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज कॉन्स्टेंट, जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होता है EI जो होता है वो क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। मटेरियल इज़ आइसोट्रॉपिक, ये जो मटेरियल है जिस मटेरियल से कॉलम बनाया गया है, RCC मटेरियल हो या कोई भी मटेरियल हो, वो उसके अंदर मटेरियल आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, मतलब उसके अंदर उसकी जो प्रॉपर्टी है हर डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए और लीनियर इलास्टिक होना चाहिए। कॉलम इज़ लॉन्ग, लॉन्ग कॉलम होना चाहिए। प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक का मतलब उसका क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द पर्टिकुलर लॉन्जी लेंथ वो सेम होना चाहिए। इट फेल ओनली इन बकलिंग, और यूलर्स फार्मूला के मुताबिक जो है कॉलम खाली और बकलिंग में ही फेल होना चाहिए। तो याद रखिएगा यूलर्स इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग कॉलम। यूलर्स थ्योरी जो थी वो लॉन्ग कॉलम के लिए ही एप्लीकेबल थी, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ द यूलर्स फार्मूला, यूलर्स फार्मूला का क्या लिमिटेशन है, देयर इज ऑलवेज क्रूडनेस इन द कॉलम एंड लोड मे नॉट बी एग्जैक्टली एक्सियल। हमेशा कॉलम के अंदर जो लोड है वो एक्सियली हो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। दिस फॉर्मूला डज नॉट टेक इन टू अकाउंट विद द एक्सियल स्ट्रेस एंड द बकलिंग लोड गिवन बाई दिस फॉर्मूला मे बी मच मोर देन द एक्चुअल लोडिंग। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बकलिंग लोड का, पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन एल नॉट स्क्वायर। आई मिनिमम जो है दोस्तों मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। आई मिनिमम जो है वो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्सिया है और आई नॉट जो है वो इफेक्टिव लेंथ है। नेक्स्ट, इट इज एप्लीकेबल फॉर द लॉन्ग कॉलम, इफेक्ट ऑफ द क्रशिंग इज निग्लेक्टेड। जो यूलर्स फॉर्मूला है वो लॉन्ग कॉलम के लिए ही यूजफुल होगा, इसके अंदर जो क्रशिंग है वो निग्लेक्ट करते हैं। कॉलम और जैसे शॉर्ट कॉलम है तो वो किस में फेल होगा, क्रशिंग में। लॉन्ग कॉलम है तो किस में फेल होगा, बकलिंग में। इंटरमीडिएट कॉलम है तो कंबाइंड क्रशिंग एंड बकलिंग, इन दोनों में फेल हो सकता है।
यूलर्स लोड फॉर द डिफरेंट विद द डिफरेंट एंड कंडीशन। इफेक्टिव लेंथ एल नॉट, बोथ इंड हिंज होगा तो एल होता है, वन इंड फिक्स एंड अदर इंड फ्री होगा तो इफेक्टिव लेंथ जो है वो डबल हो जाता है, बोथ इंड हिंज होगा तो इफेक्टिव लेंथ हाफ हो जाता है, वन इंड फिक्स एंड अदर इंड हिंज होगा तो इफेक्टिव लेंथ एल अपॉन रूट टू हो जाता है। स्लिंडरनेस रेशियो की बात करते हैं। स्लिंडरनेस रेशियो ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर इज डिफाइन एज रेशियो ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। तो एल ई अपॉन के होता है लेमडा। स्लिंडरनेस रेशियो को हम लोग किसे दिखाते हैं, लेमडा से। और लेमडा यदि 60 से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग लॉन्ग कॉलम बोलते हैं, और लेमडा यदि 60 से कम है तो उसको हम लोग शॉर्ट कॉलम बोलते हैं। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल ई अपॉन आर मिनिमम। आर मिनिमम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आई मिनिमम अपॉन ए। एल नॉट इज़ अ इफेक्टिव लेंथ और आर मिनिमम जो है वो लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। बकलिंग स्ट्रेस सिग्मा बी जो होगा वो पी अपॉन ए हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर ई अपॉन लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। फॉर वैलिडिटी ऑफ द यूलर्स फॉर्मूला, यूलर स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब यूलर स्ट्रेस जो है यील्ड स्ट्रेस से इक्वल टू या कम होना चाहिए। लेमडा इज ऑलवेज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर ई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर। फॉर माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के लिए लेमडा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90। कितनी होती है, 90। सिग्मा वाई जो है वो परमिजिबल स्ट्रेस है, डी जो है वो अनसेव लोड कॉलम है, ए जो है शॉर्ट कॉलम की लेंथ है, और लेमडा सी जो है वो क्रिटिकल स्लिंडरनेस रेशियो है, सी जो है वो सेफ लॉन्ग कॉलम है, इंटरमीडिएट सेफ कॉलम है और अनसेफ शॉर्ट कॉलम है। तो ये डायग्राम आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ए बी और उसके बाद सी के अंदर जो कर्व है वो फेलियर कर्व यहाँ पे बना हुआ है। रैंकाइन फार्मूला की बात करते हैं। रैंकाइन फार्मूला वन अपॉन पी आर इज इक्वल टू वन अपॉन पी सी प्लस वन अपॉन पी ई। रैंकाइन लोड उसको बोलते हैं पी आर। क्रशिंग लोड जो होता है वो सिग्मा सी मल्टीप्लाई ए हो जाएगा। बकलिंग लोड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल ई स्क्वायर, और पी ई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई ए अपॉन लेमडा स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करना है, ए सिग्मा सी अपॉन वन प्लस सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, और यहाँ पे अल्फा सी अपॉन पाई स्क्वायर ई स्क्वायर को ये सिग्मा ए अल्फा ले लिया है। तो जो एक रैंकाइन फार्मूला जो होगा सिग्मा सी इंटू ए अपॉन वन प्लस अल्फा लेमडा स्क्वायर ये बन जाएगा। इसके बाद जो है अल्फा जो है उसको बोलते हैं हम लोग रैंकाइन कांस्टेंट, और इसकी फॉर्मूला हो जाएगी सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर ई। दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल टू एनी कॉलम, मतलब रैंकाइन फार्मूला जो है वो किसी भी कॉलम के लिए एप्लीकेबल है। इफेक्ट ऑफ बोथ द क्रशिंग एंड बकलिंग इज कंसिडर इन दिस फॉर्मूला। इसके अंदर क्रशिंग और बकलिंग दोनों के लिए एप्लीकेबल है। क्रशिंग याद करिएगा दोस्तों, शॉर्ट कॉलम हो तो क्रशिंग की वजह से फेलियर होगा, और लॉन्ग कॉलम होगा तो बकलिंग की वजह से फेलियर होगा। ठीक है, उसके बाद शेप ऑफ कर्न इन द इसेंट्रिक लोडिंग। कर्न का नाम सुना होगा दोस्तों, यदि आपका रेक्टेंगुलर शेप है तो कोर और कर्न जो है वो एक रोम्बस जैसा शेप बनेगा, या रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए और आई सेक्शन के लिए जो कर्न का शेप होता है वो रोम्बस होता है, स्क्वायर के लिए जो है वो स्क्वायर ही होता है, और सर्कुलर सेक्शन के लिए सर्कुलर होता है। और ये भी याद रखिएगा जो लेंथ ऑफ कर्न होगा वो डी बाई थ्री और डी बाई थ्री में होगा, और सर्कुलर के अंदर डी बाई फोर में होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कॉलम के टॉपिक को कंप्लीट डिस्कशन कर लिए हुए हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको स्प्रिंग पढ़ाने वाला हूं। तो हम लोगों ने मैंने अपने इस पूरे वीडियो सीरीज में सोम के पूरे चैप्टर्स जो है मैं कंप्लीटली आपको पढ़ा दिया हूँ। हम लोग हैंडबुक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग अच्छे दूसरे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले यदि आप लोगों ने पूरे वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को अवश्य देखिए। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए। आपका सजेशन जो है वो मोस्ट वेलकम होगा दोस्तों। यदि आप सजेशन दोगे तो उस तरीके से यहाँ से इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।